बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों गाड़ी हमारे पास टोयोटा प्रियस सिनर्जी ड्राइव, इसका हम मेंटेनेंस करेंगे। कुछ मेंटेनेंस की वीडियोस इसकी मैंने ऑलरेडी डाली हुई हैं, ये मेंटेनेंस की वीडियो भी देख लीजिए। ये इसका एयर बॉक्स है, यहाँ पे एयर क्लीनर या फिल्टर होता है, और यहाँ पे इसका मैफ सेंसर है, ये देख लीजिए, ये मैफ सेंसर है। और इसका हमने प्लग उतारा हुआ है, ये इसका प्लग है, ये हमने उतारा हुआ है। तो ये यहाँ से हमने खोला हुआ है, इसको यहाँ से अलग कर सकते हैं, इसको इस तरह से उतार लेते हैं। तो इसके नीचे थ्रॉटल बॉडी है, थ्रॉटल बॉडी मेंटेनेंस मैंने दिखाई है किसी वीडियो में। इसके साथ ही यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन है, ये फ्यूल इंजेक्शन की भी मेंटेनेंस मैंने किसी वीडियो में कंप्लीट दिखाई हुई है, आप वीडियो चैनल पे देख सकते हैं। अब हम मैफ को करेंगे। मैफ करने का तरीका ये है कि यहाँ से इसके दो स्क्रूज़ हैं, इनको खोलिए फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर की मदद से। ये इसकी रूटीन मेंटेनेंस है, कुछ वक्त के बाद ये करनी पड़ती है, ना करें तो फिर गाड़ी की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। और इस तरह से आप इसको खींच लें, बाहर निकालें, और देखिए मैफ क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इसके अंदर आपको यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस नज़र आ रही हैं। ये रेजिस्टेंसेस एक्चुअली इसकी वो होती हैं, इम्पोर्टेंट होती हैं, ये सेंसिटिव होती हैं। इस ये प्लैटिनियम की रेजिस्टेंस होती हैं। अगर इनको साफ ना किया जाए, इसके ऊपर मिट्टी और गर्द जमी रहे, तो फिर गाड़ी की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। तो हम इनको साफ़ करेंगे, और इसको कुछ सी चीज़ से आप टच ना करें, क्योंकि बहुत मामूली टच करने से भी टूट जाती हैं। आपने सिर्फ इसको स्प्रे की मदद से, ये कार्प क्लीनर है, इसकी मदद से आपने इसको साफ़ कर देना है। तो मैं साफ़ करना आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, स्प्रे लीजिए और इसको स्प्रे से अच्छे से इसको साफ़ कर लीजिए इस तरह से। बस स्प्रे का प्रेशर इस पर डाल जा सकता है, स्प्रे का प्रेशर इस पर डाल सकते हैं, बाकी अपने हाथ नहीं लगाना होता। इसके टर्मिनल्स को साफ़ करें और पूरे मैप सेंसर को साफ़ करें इससे। यहाँ पे इसका एक टेम्परेचर सेंसर है, ये देखें, ये टेम्परेचर सेंसर है इसका, इसको भी साफ़ कर लीजिए ताकि टेम्परेचर की रीडिंग सही ले, ये थर्मिस्टर होता है। तो इस तरह से इसको थोड़ी देर के लिए सोख रहने दें, और इसके बाद फिर दोबारा इसको साफ़ करें इस तरह से, ताकि डस्ट कंटेमिनेशन जो भी है वो इसमें से गिर जाए, ताकि ये जो इंजन को हवा की वैल्यू देता है वो सही दे, और फिर इंजन आपका सही चलता है, परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। तो ये इसकी सफाई बस ऐसी ही है, और आपने इसको टच नहीं करना। अगर टच करेंगे किसी चीज़ की मदद से तो ये टूट जाएंगे, और ये टूट गया तो ये बहुत ही कीमती सेंसर है, तो पूरा आपको तब्दील करना पड़ेगा। तो ये नहीं करना होता, इंस्टेड आपने इसको सिर्फ स्प्रे की मदद से ही बस इसको साफ़ कर देना है। तो एहतियात मैंने आपको बता दिया कि घर पर करना चाहें तो ये इसकी एहतियात है। इसके इर्द गिर्द को भी साफ़ कर लेंगे पूरा क्लीन करके, फिर हम ये लगा देंगे। और इसका जो कनेक्टर है, इसको भी स्प्रे की मदद से, कार्प क्लीनर की मदद से साफ़ कर लीजिए, ताकि इलेक्ट्रिकली कनेक्शन अच्छा बनाए। बस ये इसकी क्लीनिंग है, ये इसकी मेंटेनेंस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थम्स अप ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखने के लिए शुक्रिया।